हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है कि वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, 12 से लेकर 20 तक एक ही तरह का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो भी एंगल्स दिए गए हैं यहाँ पर, वो एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल्स से डिफरेंट एंगल्स है। तो हम बताते आ रहे हैं बहुत पहले से ही कि अगर हमको कभी भी स्टैंडर्ड एंगल्स ना दिखे और हमको वैसे एंगल्स दिखे जिनके पेयर को ऐड करने पर, यानी कि दोनों दो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री हो, तो वहां पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हमको स्टैंडर्ड एंगल्स ना दे और ऐसे एंगल्स दे जिनको ऐड करने पे 90 डिग्री हो, तो वहां पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे भी हम इन सारे एंगल्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। तो पहले हम क्या करेंगे कि वैसे एंगल्स के पेयर सर्च करेंगे जिनका सम 90 डिग्री हो, ठीक है। तो जैसे यहां पे हमको एक पेयर दिख रहा है साफ साफ 65 डिग्री और 25 डिग्री, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 65 प्लस 5 70, 70 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ यानी कि एक तो हमको पेयर यहाँ पे मिल गया, जस्ट वैसे ही दूसरा पेयर हमको यहाँ पे मिल रहा है 34 डिग्री और 56 डिग्री। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 56 प्लस 4 60 हो जाएगा, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है। तो जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स दिख रहे हैं, पहले हम वहां पे पेयर्स ढूंढेंगे और पेयर्स ढूंढने के बाद उसमें से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको एक पेयर मिला 65 और 25 का, तो दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज करते हैं 90 माइनस थीटा में। जस्ट वैसे यहाँ पे भी दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा में। तो ये सब बात मतलब कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मान लो हम इसको चेंज कर रहे हैं 65 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है, 90 डिग्री। अब इसमें से क्या घटाएगा, 65 आएगा तो 25 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड बाई इसको अब ऐसे ही छोड़ देंगे साइन 25 डिग्री को, किसी एक को ही चेंज करना है, प्लस इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। अब सोचोगे कि बार बार ऊपर वाला ही क्यों चेंज कर रहे हैं, नीचे वाला भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हम नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे कॉस एक 34 डिग्री, ऊपर वाले को चेंज नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ दिए कॉस एक 34 डिग्री के हिसाब से। प्लस अब मान लो हम 56 डिग्री को चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री। अब इसमें से क्या घटा है, 90 में से क्या घटा है कि 56 आएगा, तो 34 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा, क्लियर है यहां तक। माइनस 2 इनटू 43 और 47, ये भी क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों को ऐड करने पर 90 आएगा, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर मान लो हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस, अब इसमें से क्या घटाएं, 47 घटाना पड़ेगा, इनटू कॉसेक 47 डिग्री, यानी कि इसके साथ जो भी पेयर है ना उसी को 90 में से घटाते हैं, बस सिंपल है सच, ठीक है। अगर यहाँ पे 43 को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो 43 के साथ पेयरिंग कौन कर रहा है, 47 कर रहा है, यानी कि 47 डिग्री को 90 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा, उतना सोचना नहीं है, ठीक है। चलो तो 2 cos 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री इनटू cosec 47 डिग्री, यहाँ तक क्लियर है। चलो डिवाइड बाई, अब यहाँ पे पेयर देखें, यहाँ पे पेयर कौन कौन सा है, तो 10 डिग्री का पेयरिंग किसके साथ करेंगे, 90 के साथ करेंगे, तब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म कर रहा है। जस्ट वैसे ही 40 डिग्री का पेयरिंग किसके साथ करना पड़ेगा, 50 डिग्री के साथ, क्योंकि इन दोनों का सम 90 और यहाँ पे इन दोनों का सम 90, क्लियर है यहाँ पे। यानी कि इसको इसके साथ लिखेंगे और इसको इसके साथ लिखेंगे, यानी कि tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री में से किसी एक को ही 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मान लो हम 10 डिग्री को कर रहे हैं, तो tan 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 80 डिग्री घटाना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 90 में से 80 डिग्री घटाएंगे तब जाके क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब इस tan 80 को इसी के साथ लिख रहे हैं क्योंकि पेयरिंग हुआ है ना, इसका पेयरिंग इसके साथ किया है, तो इसी के साथ लिख रहे हैं tan 80 डिग्री इनटू, अब tan 40 और 50 ये दोनों का पेयरिंग किया है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो मान लो हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो tan, अब 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 50 डिग्री घटाएंगे तब जाके 40 आएगा, और tan 50 को एज सच इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है ना। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर में से किसी एक एंगल को ही चेंज करना होता है, बार बार बोलते आ रहे हैं, क्लियर है यहाँ पे। चलो अब ये जो हो गया, ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा है, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो sin थीटा कितना है, 25 डिग्री अपॉन sin 25 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक। प्लस यहाँ पे cosec 34 डिग्री, ये हो गया sec 90 माइनस थीटा, कितना होता है cosec थीटा होता है, थीटा कितना है 34 डिग्री है, माइनस
टू इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा कितना है 47 डिग्री है, इंटू कॉसिक 47 डिग्री। डिवाइड करेंगे टैन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है, थीटा कितना है 80 डिग्री, इंटू टैन 80 डिग्री, इंटू फिर टैन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा कितना है यहाँ पे 50 डिग्री है, इंटू टैन 50 डिग्री। बहुत आसान हो गया यहाँ पे, क्लियर है। और जो जो चीज़ का यहाँ पे यूज़ किए हैं, जिस जिस कन्वर्जन का यूज़ किए हैं, उस कन्वर्जन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देंगे साफ साफ, सिंस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, पहला कन्वर्जन ये हुआ। दूसरा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसिक थीटा के इक्वल होता है, क्लियर है यहाँ पे, किसके इक्वल होता है, कॉसिक थीटा के इक्वल, जस्ट वैसे ही कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। और भी कुछ यूज है, हाँ टैन वाला, तो टैन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो ये सारे कन्वर्जन का यूज किए, यानी कि साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, सेक को कॉसेक में, और टैन को कॉट में चेंज कर सकते हैं, और जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे, किसका यूज करके, बाय यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करके, क्लियर है यहाँ पे। चलो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री ये कैंसिल, क्या आएगा यहाँ पे, वन आएगा, जीरो नहीं आएगा, वन आएगा, क्योंकि दो चीज सेम चीज कैंसिल होते हैं तो वन आता है। प्लस कॉसेक 34 डिग्री डिवाइड बाई कॉसेक 34 डिग्री, दोनों सेम है, कैंसिल, यहाँ पे भी क्या आ गया, वन आ गया। माइनस, अब अगर हम ध्यान से देखें, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के फॉर्म में है, थीटा क्या है यहाँ पे, दोनों जगह थीटा सेम है, यहाँ भी 47 डिग्री है और यहाँ भी क्या है 47 डिग्री है। तो अगर थीटा सेम हो तो साइन और कॉसेक का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। हमको मालूम है कि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे वन अपॉन कॉसेक हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पे वन अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो उसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वन के इक्वल। जस्ट वैसे ही टैन थीटा और कॉट थीटा का भी मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, ये पढ़ते आ रहे हैं। फिर सेक और कॉस का भी वन के ही इक्वल होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का भी मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा वन के इक्वल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्लियर है। और एक चीज को बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे थीटा सेम होना चाहिए, अगर यहाँ पे 45, यहाँ पे 40 डिग्री है तो यहाँ भी 40 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया तो वन कर दिया, नहीं, जब एंगल सेम हो तब इन दोनों का प्रोडक्ट वन के इक्वल होता है, क्लियर है यहाँ पे। चलो तो माइनस टू इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, थीटा भी सेम है, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, इंटू वन डिवाइड बाई, अब देखिए कॉट 80 डिग्री इंटू टैन 80 डिग्री, तो ये दोनों भी जो है कॉट थीटा इंटू टैन थीटा के फॉर्म में है, थीटा सेम है, तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा, इंटू, अब हम इन दोनों का अगर बात करें तो कॉट 50 डिग्री इंटू टैन 50 डिग्री, यानी कि ये भी कॉट थीटा इंटू टैन थीटा के फॉर्म में है, जहाँ पे थीटा क्या है 50 डिग्री है, तो थीटा सेम है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, वन के इक्वल आएगा। यहाँ तक क्लियर है, चलो और आगे कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 2 और डिवाइड बाई 1 इंटू 1, तो 1 ही होगा, तो 2 अपन 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 ये 2 हो गया, माइनस 2 तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0, यानी कि इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, ठीक है ना, आंसर 0 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुका है, प्रीवियस ईयर में सीबीएसई 2015 में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।